इन दिनों उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की हद में तड़ीपार गुंडों का आतंक मचा हुआ है। अजय पवार तथा भरत पवार ने उल्लासनगर एक के साधुबेला परिसर में रहने वाले विधवा उषा सुरेंद्र सिंह व उसके बेटे सुजीत और रंजीत की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी। सर, घर में आके मारामारी के चौपर से अजय बंसी पवार ने घर में घुस के मेरे ताला को तोड़ फोड़ करके मेरे को मारा है। सब कितने बजे हुआ था ये? लगभग 3:30 बजे। मारने का कारण वगैरह? सर, रूम खाली बहुत भाड़े पे मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, इसके लिए किया है। कुछ दिन पहले भाई को भी मारा था, मम्मी को भी मारा, अभी मेरे को भी मार दिया। सर, मैं उषा सुरेंद्र सिंह, साधुबेला निर्यात गिरधारी चौल, बैरक नंबर 138, अपोजिट रूम नंबर 3। सर, मेरे बाजू में बंसी अजय बंसी पवार, भारत बंसी पवार का घर है। सुनीता बंसी पवार ने मेरे से रूम 2.5 महीना पहले भाड़े पे मांगा, मैंने उनको भाड़े पे देने से इनकार किया। सर, यही वजह है, इसकी वजह से मेरा गूंगा बहरा लड़का है, 2 अप्रैल को उसके ऊपर इन लोगों भारत अजय बंसी पवार ने कोयते से 10 जन के साथ में वार किया मिलके। सर, मैं पुलिस चौकी गई, वहाँ पे मैं नाम बता रही हूँ, वहाँ पे नाम बताने नहीं दिया गया, इतना बोला गया कि जितना हम बोलते उतने सुनने का। एक ही लड़के का खाली नाम लिखा अजय पवार का, कोयते से वार किया, उन्होंने चाकू लिखाया दिखाया है। सर, उसके बाद में एसीपी ऑफिस में मुझे बुलाया गया शनिवार को, मैं एसीपी ऑफिस से वापस आई। संडे के दिन उसका नाना अमर सिंह, किशन पवार, दोनों 3 बजे से मंदिर पे बैठे थे, सचिन का इंद्रजीत कनौजिया और राजेश तिवारी के घर के बीच। जैसे मैं पहुंची हूँ 9 बजे रात को, वैसे मेरे ऊपर अटैक किया उन्होंने। मैं अपना सर बचाने के लिए पहला ही डंडा पड़ा तो हाथ पे लिया, तो जिस हाथ पे पहला डंडा पड़ा उस पे किशन पवार ने हाथ पकड़ लिया, और अमर और वो जो अदर लड़का था उसको मैं नहीं पहचानती हूँ। सर, उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, मेरा दोनों हाथ फ्रैक्चर हुआ। अभी भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं बाहर निकली नहीं हूँ। 1 बजे मेरा बड़ा लड़का रंजीत सुरेंद्र सिंह यहाँ पे बैठा था, घर पे गया, मुझे खाना खिला के घर बंद करके, ताला बंद करके घर के अंदर था, पूरा घर तोड़ फोड़ कर दिया, टीवी फ्रिज पूरा खिड़की दरवाज़ा सब तोड़ के ताला के अंदर जाके उसको सर चापर वगैरह ले करके अजय पवार और उसके 2 दोस्त, इन्होंने उसके ऊपर वार किया। सर, मैं 112 पे कॉल कर रही हूँ, मैं पुलिस चौकी में कर रही हूँ, मैं एसीपी ऑफिस में कर रही हूँ। 3 घंटा पहुँचने में लगा, तब तक मेरा बच्चा खून से लथपथ हुआ ही पड़ा था। सर, 200 मीटर के दूर पे पुलिस चौकी है, पुलिस वाले सर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आ, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये लोग नहीं ले रहे हैं। सर, ये क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मजबूरी है उनकी। आप क्या चाहते हैं सरकार? सर, मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको हमारे बच्चों को बचाइए, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। हम एक विधवा हैं, हम खाली 2 बच्चों को लेके अपना निर्वाह कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं तो शाम को खाना मिलता है। सर, कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।